वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश क्लास 12 2019 के टॉपर की आंसर शीट। ओके, इंग्लिश कोर है, इंग्लिश इलेक्टिव अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम अलग से कॉपी को अपलोड करेंगे, आप वो कॉपी देख सकते हो। ओके, तो हर पेज पे हम थोड़ी थोड़ी देर रुकेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ हम आपको टिप्स भी देंगे जो हमें अच्छी लगेगी उस टॉपर की कॉपी प्रेजेंटेशन में। तो टॉपर की कॉपी देखने का मेन मतलब ये होता है कि हमें ये देखना है कि टॉपर ने क्या चीजें अच्छी करी है। ओके, नाउ पहली थिंग जो मैं इस कॉपी में नोट कर रहा हूँ, राइटिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर आपका मैटर सही है देन राइटिंग डज नॉट मैटर। समझ गए, आप सही चीजें लिखो जो चीजें उसमें पूछी गई हैं, तो राइटिंग का फर्क नहीं पड़ता, बस चीजें समझ में आनी चाहिए। ओके, सो पड़ता है अगर चीजें समझ में नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली राइटिंग का फर्क पड़ता है। आप ऐसी राइटिंग लिखो चीजें समझ में आए, ऑब्वियसली इसकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो हमें समझ में ना आ रहा हो। ओके, सो यू कैन डू दोस थिंग्स। एक और कॉपी, एक और बात मैंने नोट करी है कि इसने चीजों को अंडरलाइन नहीं किया है, तो आप वो चीज यूज कर सकते हो अपनी कॉपी को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए। ओके, मतलब पिछले साल की मैंने टॉपर की कॉपी जब एनालाइज करी थी उसने बकायदा चीजों को अंडरलाइन किया था, तो आप चीजों को अंडरलाइन कर सकते हो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट आपको लगती हैं। बस ऐसा मत करना कि पूरी कॉपी अंडरलाइन कर दो, कई बच्चे कर देते हैं, उनको सब पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें केवल वही चीज अंडरलाइन करना है जो हम टीचर को पढ़वाना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप चीजों को अंडरलाइन करते हो तो टीचर का ध्यान वहीं पे जाता है। एंड राइटिंग सेक्शन के इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश के पेपर में, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके मार्क्स नहीं कटे तो ये समझ लो कि मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एंड अगेन लिटरेचर, जहाँ पे अगर आपने सही से पढ़ा है, चीजों को समझा है, देन आपके मार्क्स ज्यादातर चांसेस में कटने नहीं वाले हैं। बट इंग्लिश को लोग ट्रिकी सब्जेक्ट कहते हैं, जहाँ पे मार्क्स आसानी से कट सकते हैं, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन टीचर। बट आई विल से कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सही से सेंटेंस को फ्रेम करते हो, सही से चीजें लिखते हो तो नहीं मार्क्स कटते हैं। लीनियंट चेकिंग होती है, इतनी हार्ड चेकिंग नहीं होती है वहां पे। दे ऑल्सो नो कि आप वहां पर कोई डिग्री करके नहीं बैठे हो। ओके, नोबल क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द कॉपी। आई होप जो जो मैंने आपको चीजें बताई हैं आप उनको फॉलो करोगे एंड एग्जाम में सही नंबर लेके आओगे, और अगर नंबर सही आते हैं तो बाद में आकर इस वीडियो पर कमेंट जरूर करोगे, बताओगे कितने नंबर आपके आए हैं। और अभी भी अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक करो वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर जरूर 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 कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।